दोस्तों, मैं हूं टेकी दिशान और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि Redmi की Note 10 सीरीज लॉन्च हुई है उसके बारे में। यहां पे हम Redmi ने तीन फोन लॉन्च किए हैं जो कि है Note 10 Pro Max, Note 10 Pro और Note 10 अकेला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Note 10 Pro Max की। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। डिजाइन मतलब आप देख सकते हैं जैसे काफी अच्छा डिजाइन है। ये आता है तीन कलर्स में जो कि है डार्क नाइट, ग्लेशियर ब्लू एंड विंटेज ब्रोंज। मतलब काफी तीनों कलर्स भी काफी अच्छे हैं। जैसे क्वाड कैमरा सेटअप है, कैमरा मतलब काफी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ही आता है साइड फिंगरप्रिंट मतलब स्कैनर पे, जैसे हम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वो स्कैनर होते हैं वो यहाँ पे पावर बटन है वहां पे आता है। और ये है टोटल मतलब 6.67 इंचीज का मतलब अच्छा डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले जो कि आपके हाथ में काफी अच्छा फिट होगा। सो अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। जो स्पेसिफिकेशन में आपको बताना चाहूंगा कि ये है 192 ग्राम का। इसके साथ ही आता है ये 732G प्रोसेसर के साथ, क्वालकॉम के स्नैप ड्रैगन 732G प्रोसेसर। उसके साथ ही इसमें GPU है एड्रीनो का 618। इसके साथ जो इसकी मतलब सबसे मेन चीजें हैं वो है जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले का 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। उसके साथ साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। 300 पिक्सल पर इंच की डेंसिटी है जो कि एक फुल HD डिस्प्ले है इसमें। इसके साथ साथ ही 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसमें। इसके साथ ही इसमें मेमोरी के आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, 664 मतलब 6GB रैम, 64GB मतलब स्टोरेज। इसके साथ ही मिलता है 6128 एंड 8128। सो इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं 512GB तक। इसके साथ ही हम इसकी बात करते हैं मेन कैमरा की, जिसमें क्वाड सेटअप है मतलब चार कैमरे हैं। फर्स्ट कैमरा है 108 मेगापिक्सल का जो कि है सैमसंग का HM2 सेंसर का। इसके साथ ही डेप्थ सेंसर है, अल्ट्रा वाइड है और मैक्रो लेंस है इसके साथ साथ ही। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। सेल्फी कैमरा के साथ साथ मतलब इसमें पंच होल डिस्प्ले है, मतलब स्क्रीन पे ही डिस्प्ले है इसका, मतलब कि पंच होल डिस्प्ले है, फुल डिस्प्ले मतलब स्क्रीन पे ये कैमरा है, पॉपअप कोई ऐसा नहीं है। इसके साथ ही इसके अब आते हैं जो साउंड है वो कैसी, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स हैं, काफी अच्छा है। टाइप सी इसका चार्जिंग पोर्ट होगा और बैटरी है इसकी 5020 mAh की जो कि आता है 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ। मतलब पावर अडैप्टर इनबॉक्स आता है, आपको बाहर से वो करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। मतलब ये बेस्ड है MIUI 12 पे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 पे ही आता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। इसकी प्राइसिंग मतलब जो तीन मैंने आपको बताए थे 664 वो स्टार्ट होता है 19,000 से, और एक आता है 6128 जो कि है 1000 महंगा जो कि है 20,000 का, और एक है जो आपको 8128 बताया जो कि है 22,000 का। सो जैसे एक मॉडल को मैंने आपको बता दिया। अब जो Note 10 Pro है, Pro Max ये वाला था, अब जो Note 10 Pro है उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ एक है कि जो जैसे इसमें चार कैमरे की जगह 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा था, वहीं पे उसका 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। और उसके भी तीन वेरिएंट है, सब कुछ सेम है, कलर सब कुछ सेम है। 3,000 का फर्क सिर्फ एक कैमरे के कारण है जो कि मतलब 664 में भी मिल जाएगा आपको, 6128 में भी और 8128 में भी। 3,000 कम कर लेना, जैसे वो था 19,000 का 664 तो ये 16,000 का, वैसे 3,000 का फर्क है। जो इनका तीसरा है वो है Note 10। उसमें थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा डाउनग्रेड, मतलब बजट फोन है वो काफी हद तक। सो वो बजट में क्या आता है कि उसका प्रोसेसर चेंज है। प्रोसेसर उसमें है 678 और उसमें जो GPU है वो Arduino का 612। इसके अलावा बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। जो कैमरा है वहाँ जैसे प्रो मैक्स में 108 मेगापिक्सल का था, प्रो 10 प्रो में 64 मेगापिक्सल का होगा, यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का हो जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। Note 10 है वो आता है 4+64GB वेरियंट में और आता है 6GB+128GB वेरियंट में। इसके भी तीन कलर आते हैं, एक्वा ग्रीन, फ्रॉस्ट व्हाइट एंड शेडो ब्लैक, जो कि 464 वाले का इसका प्राइस है 12,000 और जो 6 और 128 का है उसका प्राइस है 14,000। तो बस यही थे तीन फोन। तो अब बात करते हैं इसके प्रोस की। प्रोस तो मैंने आपको जैसे बताई दिया, प्राइसिंग काफी अच्छी है। वैसे जो भी स्पेसिफिकेशन है वो एक तरह के इसके प्रोस ही हैं, मतलब एडवांटेजेस ही हैं इसकी एक तरह की। और बात करते हैं अब इसके, बात करते हैं कॉन्स की, मतलब डिसएडवांटेजेस की। देखिए ये डिसएडवांटेजेस सभी के लिए तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ मतलब काफी बंदों के हिसाब से हो सकती है। जैसे 5G आ रहा है, सबसे मतलब इसका मेजर डिसएडवांटेज है वो है कि ये 5G नहीं है।
सो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब फ्यूचर प्रूफ इतना ज्यादा नहीं है, 1.5-2 साल तक ही चल सकता है। जैसे 732G प्रोसेसर है तो 1.5-2 साल तक ये ठीक चलेगा। तो अब बात करते हैं कहाँ से लें, मतलब कहाँ से इसको परचेज करें। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट सेल है वो होगी मतलब 12 बजे 12 नून को, 18 मार्च को फर्स्ट टाइम फ्लैश सेल होगी, जो कि आप एम ए की मतलब स्टोर से या कहीं से भी ऑनलाइन अमेजोन से वहां से ऑर्डर करवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे तो हो सकता है कि ये अभी शॉप्स पे ना आया हो, तो मतलब कम क्वांटिटी में आया हो तो आपको इसको मतलब ब्लैक में लेना पड़े, थोड़ा महंगा। तो इससे अच्छा है कि आप अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अभी आप ऑनलाइन ही ले लें। अगली बात करते हैं इसके डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको प्रो मैक्स पे 1500 का और प्रो पे 1000 और जो सिंपल नोट 10 है वहां पे आपको 500 रुपीज का, मतलब तीनों पे 1500, 1000 और 500 रुपीज का आपको कैशबैक मिल सकता है अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है, जो कि आपको MI की साइट पे ही जाके मतलब बुक करना पड़ेगा तो फोन। सो बस यही था आज की वीडियो। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन के कि मेरे हिसाब से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ा मतलब इतना ज्यादा कैमरा का नहीं है तो आप 3000 रुपीज सेव कर सकते हैं अगर आप नोट 10 प्रो मैक्स की जगह नोट 10 लेते हैं, क्योंकि ये कैमरे के कारण ही 3000 रुपए का फर्क है। तो अगर आपको बेस्ट चाहिए मतलब 6128 भी काफी अच्छा है, अगर 8128 कर सकते हैं तो वो कर लीजिएगा भाई। तो बस बाकी आपकी मर्जी। तो धन्यवाद।